कोटा जिला का साहिल इलाका केटी बंदर है, यहाँ पे भी वो तूफान हिट करेगा। लहरें देखिए, लहरों की ताकत देखिए आप, समंदर बिफरा हुआ है, समंदर बिफरा हुआ है गुस्से में। घरों को ताले लगा दिए गए हैं, घरों में कोई बंदे नहीं है, तो पूरा शहर ये खाली हो रहा है इस वक्त। ये देखिए, ये होटल था, होटल बंद है इस वक्त। ये देखिए, ना बंदा ना बंदे की जात। 9 में जो है यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमें केटी बंदर और इसके मुलायका साहिल इलाकों और गाँव में हजारों लोग फोत हो गए थे। समंदरी तूफान बाइपर चोय, जिसे बांग्लादेशी जबान में तबाही से पहचाना जाता है, और उसने तबाही मचाना पाकिस्तान में शुरू कर दी है। कराची से चंद किलोमीटर के फासले से गुजर रहा है, मगर कराची को तो खतरा नहीं, इंडिया के शहर गुजरात और पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहां पर उसके असरात गुजरात शहर के बाद सबसे ज्यादा महसूस किए जाएंगे। आज वहीं पर हम जा रहे हैं आपको लेकर, और आपको बताते हैं कि वो कौन सा मकाम है और वहां पर समंदर की विपरीत लहरें किस तरीके से लोगों को तंग कर रही हैं, और लोग घरों को खाली करने की नौबत आ गई है। तो आपको लेकर चलते हैं कराची से दूर 120 किलोमीटर के फासले पर वो शहर है, आइए। अच्छा देखिए, ये सारे ये जाने वाले, तो आप लोगों गाड़ी लेने आ रही है, ये देखिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, बस चले चले चलो चलो, चलो। ये सारे हाँ गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं सारे, देखें ये खाली कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमने इस वक्त साकरो सिटी यानी घरों के बाद तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर आगे आ पड़ चुके हैं, और जैसे जैसे हम केटी बंदर के करीब पहुंच रहे हैं, हवा का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, हवा की जो स्पीड है वो हमें अभी से महसूस हो रही है। इस वक्त गाड़ी के शीशे बंद है, जैसे गाड़ी के शीशे खुलते हैं आपको अंदाजा होगा कि हवा कितनी तेज़ हो चल रही है। अच्छा देखिए, ये सारी ट्रांसपोर्ट जो है ना, जो करीब के मुतासर इलाके हैं वहाँ जिनको खाली कराना है फौज की मदद से, उनको खाली कराने के लिए ये सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट लेते हैं। जितने भी लोग हैं ना उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। ये देखिए तमाम लोग इन गाड़ियों में, इसमें बच्चे बुजुर्ग खवातीन जो जो है उनको यहाँ पर इंतज़ामिया अदल इंतज़ामिया यहाँ से निकाल रही है ताकि वो महफूज रह सकें। जब 1999 में यहाँ पर जब तूफान आया था केटी बंदर में, कहा जाता है कि 6000 से ज़ायद लोग उसमें लुकमा अचल बन गए थे। अच्छा देखिए, ये सारे ये जाने वाले, तो आप लोग गाड़ी लेने आ रही है, ये देखिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, इस वक्त हम केटी बंदर पहुंच गए, और आप देख सकते हैं कि क्योंकि पहले ही अच्छा खासा जो इलाका था उसे खाली करा लिया गया था, लेकिन अब आखिरी गाड़ी आ रही है, यानी जो तमाम जो लोग बचे हुए थे यहाँ पर उनको महफूज पना गाँव पर भेजा जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है। तो देख रहे तकरीबन 8 से 10 फैमिलीज थी और यहाँ पर उनको गाड़ियाँ लेने पहुँच गई हैं। चंद लोग रुकेंगे, मगर जो सामने आपको बंद नज़र आ रहा है वहाँ पर पानी बिपरा हुआ है, तूफानी कहते हैं तूफानी ले रहे हैं, खौफनाक ले रहे हैं, जिसको आपको देख कर ही खौफ आता है। हम करीब जाते हैं और आपके आपको दिखाते हैं वो मकाम बंद के, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ का जो पानी है बंद के बाद शहर में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। लहरें देख रहे हैं आप, ये लहरें देखिए, ये हवा का प्रेशर है यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि शाम चार बजे जिस बंद पे हम खड़े हुए ये बंद टूट जाएगा, यानी इतना प्रेशर है यहाँ पर कि आप यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये भाई ये लोग जा रहे हैं, देखें भर के ये खाली हो रही है, यहाँ से कोई शेजोर सुजुकी बसों के अंदर रवाना हो रहे हैं। ये देखिए दुकानें वगैरह सब बंद हो चुकी, दुकानें घर जितनी यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें थी वो तमाम की तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं, घरों को ताले लगा दिए गए हैं, घरों में कोई बंदे नहीं है, तो पूरा शहर ये खाली हो रहा है इस वक्त। ये देखिए, ये होटल था, होटल बंद है इस वक्त। ये देखिए, ना बंदा ना बंदे की जात। आप देख रहे हैं कि समंदर बिफरा हुआ है, तूफानी लहरें हैं, और यहाँ पर खड़ा होना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त तमाम जो इलाका है साहिली पट्टी है कि उसे खाली कराया जा रहा है,
और पानी की जो लहरें वो मजीद वक्त गुजरने के साथ उनमें शिद्दत, बहाव में तेजी और उसके साथ लहरें भी ऊंची होती जा रही हैं। हमारे साथ मकामी साफी हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आसिफ सिंध टीवी के रिपोर्टर हैं। आसिफ जोगियो, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा हाल है? अच्छा, ये बताएं कि हिस्ट्री है यहाँ की, केटी बंदर में इससे पहले भी बहुत बड़ा एक तूफान आ चुका है, वो कब आया था और उसमें कहा जाता है कि हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी, इस बार इंतजामिया इसी मुतारिक हो गई है? जी बिल्कुल, 99 में जो है यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें केटी बंदर और इसके मुलाइका साहली इलाकों और गाँव में हज़ारों लोग फोत हो गए थे, जिसकी वजह से इस दफ़ा जो अलर्ट जारी कर दिया किया गया है वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से, तो इस वक्त इंतजामिया अलर्ट नज़र आ रही है। आपको नज़र आता होगा कि शहर जो है वो केटी बंदर का शहर खाली हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़िले इंतजामिया और पाक फ़ौज के इंतजाम के तहत शहर खाली हो रहा है और इस वक्त जो है वो इंतहाई खौफ की सूरत हाल शहरियों में और आसपास के गाँव के लोगों में मौजूद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो तूफ़ान है, जो आने वाला तूफ़ान है, वो 99 के तूफ़ान से भी ज़्यादा बड़ा तूफ़ान है। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर को, केटी बंदर को खाली करवाया जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इंतजाम की ज़रूरत है ताकि लोगों को जो है वो महफूज मकाम पर। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इंडिया के शहर गुजरात, यानी सूबा जो इंडिया के सूबा गुजरात में आके टकराएगा और पाकिस्तान का ये इलाका जो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आके टकराना है, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल, जो डायरेक्ट उसका जो तूफ़ान का रुख है वो इंडिया के इलाके गुजरात की तरफ है, लेकिन ये जो हम जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये ठट्टा ज़िला का साहिल इलाका केटी बंदर है, यहाँ पे भी वो तूफ़ान हिट करेगा। और 99 में भी इसी तरह से हुआ था कि जो तूफ़ान आया था उसने केटी बंदर, खारोचान और यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों को, गाँव को हिट किया था, जिसमें हज़ारों जाने ज़ाया हुई थी। और ये तूफ़ान भी इस इलाके को जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, केटी बंदर को, खारोचान को डायरेक्ट हिट करेगा। आप ये जो समंदर की जो लहरें हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तूफान आया नहीं है, लेकिन समंदर की लहरें बिल्कुल तेज़ चल रही हैं, जब तूफान आएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ। तकरीबन कहा जाता है कि आपको मैं अगर बताऊं कि तकरीबन 1999 में जब यहाँ पर केटी बंदर के मकाम पे, जिस मकाम पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जब तूफ़ान आया था, 6000 से ज़ायद अफराद अपनी जान से चले गए, इसी वजह से इंतजामियों तो मुतारिक हुई है। तो जी, वीडियो को इस्तेमाल करने का वक्त आ पहुँचा है और दुआ करें कि जो समंदरी तूफ़ान के असरात हैं वो कम से कम हमारे मुल्क पे हो, हमारे सूबे पे पड़ें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।